वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कोई बच्चों का खेल नहीं होता, क्योंकि सही तरीके से जंगली जानवरों को अपने लेंस में कैद करने के लिए धैर्य और साहस की अहम भूमिका होती है। हालांकि एक लैंडस्केप, झरने या पहाड़ों की तस्वीरें निकालने में हमें ज्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि ये चीजें अपने जगह से ना तो हिलती है और ना ये आपके पीछे आपको मारने के लिए भागती है। पर जंगली जानवर एक ही स्थिति में कभी नहीं रहते। हल्का सा शोर पाते ही ये अपने स्थान से तुरंत भाग जाते हैं, और अगर जानवर शक्तिशाली या मांस भक्षक हुआ तो ये फोटोग्राफर के पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाते हैं। पर कई बार चीजें एक समान नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ये मस्तीखोर जानवर फोटोग्राफर्स को चौंकाने का मौका भी नहीं छोड़ते। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वाइल्ड एनिमल सरप्राइज फोटोग्राफर पार्ट 2। मैजिक मीयरकैट। ज्यादातर जंगली जानवर काफी शर्मीले स्वभाव के होते हैं और बाहरी लोगों के मौजूदगी के सामने कभी आना पसंद नहीं करते, पर प्यारे से मीयरकैट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये काफी चंचल और जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं और इनकी क्यूरियोसिटी तो इस दर्जे की होती है कि एक बार कोई ये शिकारी के हाथों मरना पसंद करेंगे, पर किसी के सामने आने से कभी नहीं शर्माते। और इन्हीं कारणों की वजह से कई साइंटिस्ट और डॉक्यूमेंटेरियन का ध्यान इस प्यारे से जानवर पर आया। वे जंगलों में इन नन्हे से जानवरों की काफी नजदीक से तस्वीरें लेते हैं, इसलिए मैजिक मीयरकैट भी आमतौर पर इंसानों की मौजूदगी में काफी कंफर्टेबल रहते हैं। यही वजह है कि अक्सर मीयरकैट्स फोटो कैप्चर करते हुए फोटोग्राफर्स के काफी करीब आ जाते हैं और कई बार उनके सर पर चढ़कर खुद का शिकार भी खोजने लगते हैं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां मैजिक मीयरकैट कैमरामैन को एक परफेक्ट पोज दे रहा है। इससे पता चलता है कि मैजिक मीयरकैट तस्वीरें खिंचवाने से कभी नहीं डरता। पफिन। पफिन एक समुद्री पंछी है जो समुद्र में गोते लगाकर मछलियां व जू प्लांकटन को ढूंढते हैं, और भोजन मिलते ही ये उन्हें तुरंत लेकर उड़ जाते हैं, फिर एक शांत से जगह जाकर अपने मील का आनंद लेते हैं। पर फोटोग्राफर का मन इसके सफेद काले रंग, रंग बिरंगा चोंच और इसकी निश्चलता मोह लेती है, जिसके कारण कई फोटोग्राफर्स इसकी तस्वीरें लेने की पूरे जद्दोजहद करते हैं। और उन्हीं में एक नाम रशियन फोटोग्राफर व्लादिमीर टूनोव का भी आता है, जो पफिन की तस्वीरें लेते लेते उसके काफी करीब भी चले जाते हैं। पर पफिन ने व्लादिमीर को तब हैरान करके रख दिया जब ये उसके काफी करीब आ गया, क्योंकि पफिन स्वभाव के काफी शर्मीले होते हैं। पर यहाँ पफिन व्लादिमीर के पैरों के काफी नजदीक आ जाता है। पर यहाँ ये प्यारा सा जानवर अपने भोजन के तलाश में आया था। भोजन ना मिलने पर ये वहां से चला जाता है, पर व्लादिमीर के लिए ये घटना किसी ड्रीम कम्स ट्रू की तरह होता है। पॉलर बियर। पॉलर बियर धरती पर मौजूद सबसे अनोखे जीवों में से एक है, लेकिन हम एनिमल किंगडम की इस प्रजाति के बारे में बेहद ही कम जानते हैं, क्योंकि कई वैज्ञानिक और डॉक्यूमेंटेरियन इनके ज्यादा करीब नहीं जा पाते, जिससे इसकी सामाजिक और पारिवारिक जिंदगी के बारे में हम ज्यादा पता नहीं लगा सके हैं। लेकिन सभी परेशानियों को पार करते हुए स्कॉटिश फिल्म मेकर गॉर्टन ब्यूकानेन ने पॉलर बियर के लाइफ का अध्ययन करने को अपना मिशन बनाया। उनके करीब जाने के लिए गॉर्डन ने उनके घर के पास एक प्रोटेक्टिव ऑब्जर्वेटरी सेट की, ताकि वह पॉलर बियर को अपना शिकार पकड़ते हुए अपने कैमरे में कैप्चर कर सके। लेकिन उनका ये प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी को देखते ही देखते पॉलर बियर उस पर टूट पड़ा और गॉर्डन को अपना भोजन बनाने की कोशिश करने लगा। लाख कोशिशों के बाद पॉलर बियर को यह समझ आ गया कि वो अंदर नहीं जा सकता। ऐसे में हार मानकर यह जीव वापस चला गया और गॉर्डन की जान बच गई। इससे पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की जॉब जितनी शानदार दिखती है वो उतनी ही खतरनाक होती है। लायन स्निप्स कैमरामैन्स क्रॉच। जरा सोचिए वो पल कितना खतरनाक होगा जब तस्वीरें लेते वक्त आपके सामने कोई खूंखार जानवर आ जाए। ऐसे में अगर वो जानवर कोई और नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर हो तो तस्वीर लेने वाले व्यक्ति की तो सामत ही आ जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ग्राहम स्प्रिंगर के साथ। आम दिनों की तरह ही ग्राहम संभल कर अपनी गाड़ी के नीचे से शेरों की झुंड के तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद ग्राहम मुसीबत में फंस गए जब एक 300 पाउंड की शेरनी उसके बेहद ही करीब आ गई। ऐसे में ग्राहम को गाड़ी में बैठने तक का मौका नहीं मिला, वो अपनी जगह पर सीधे खड़े हो गए। तभी शेरनी उसके पास आ गई और कैमरे को चाट कर चलते बनी, मगर पास खड़ी शेरनी को देखकर ग्राहम को ऐसा लगने लगा जैसे कि ये उसका आखिरी दिन हो। लेकिन वो खुशकिस्मत थे क्योंकि शेरनी ने उसे अपना भोजन नहीं बनाया। खैर, इस दृश्य में ग्राहम को ना ही कुछ नुकसान हुआ और ना ही इनके कैमरे को। पर इस मामले में बारबरा जॉनसन थोड़े अनलकी निकले।
लायनस स्नैचेस फोटोग्राफर कैमरा। दरअसल ये घटना 57 साल के एक फोटोग्राफर बारबरा जॉनसन के साथ घटी, जब वो बोत्सवाना के जंगलों में अपने गाड़ी में बैठकर शेरों के झुंड के तस्वीरें निकाल रहे थे। तभी उनकी गाड़ी से एक कैमरा नीचे गिर गया और सामने मौजूद शेरनी झपट्टा मारकर बारबरा के कैनन 70 लेंस कैमरे को अपने साथ ले गई। कैमरे को बचाने के लिए बारबरा जॉनसन इससे पहले कुछ कर पाते, तब तक शेरनी कैमरा लेकर अपने छोटे लायन कब के पास पहुंच गई और उसने खिलौने के तौर पर ये कैमरा अपने बच्चों को ही दे दिया। शेर के ये बच्चे उस कैमरे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। अपना कैमरा वापस पाने के बाद जॉनसन ने ये पाया कि कैमरा पूरा सही सलामत था, मगर लेंस पर बच्चों के दांतों के निशान आ गए थे, जिसे चंद पैसों में ठीक किया जा सकता था। व्हेल प्रोटेक्ट्स डाइवर फ्रॉम शार्क। साउथ पैसिफिक ओशियन के कुक आइलैंड की ये घटना नान हाउसमर के साथ घटी, जब वो समुद्र में हम्पेक वेल के पास डाइव कर रही थी। लेकिन तभी वेल ने नान को धक्का मारना शुरू कर दिया और साथ ही उन्हें पानी से बाहर निकालना भी चाहा, लेकिन कुछ देर बाद नान को अपने फिन के नीचे छुपा लिया। नान को वेल का ये व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन वो समझ गई थी कि शायद उनका बचना मुश्किल है। पर धीरे धीरे वेल ने उसे धक्का मारना शुरू किया और वेल ने उसे धक्का मारना तब तक बंद नहीं किया जब तक नान अपने बोट के पास नहीं पहुंच गई। वेल का ये अजीबोगरीब व्यवहार करीब 10 मिनट तक चला और जब नान बोट के करीब आ गई तो उसने देखा कि वेल उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय एक टाइगर शार्क से बचा रही थी, जो उसके आसपास ही मंडरा रहा था। एल्क हेडबर्ट्स फोटोग्राफर। तस्वीरें खींचने वाले वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर को सावधानी के नियमों को कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे ये जीव कितने भी प्यारे क्यों ना हो, क्योंकि आखिर है तो ये जंगली जानवर ही। ऐसे में इनसे दूरी बनाए रखना काफी जरूरी है। अगर आप इस बात को भूलते हैं तो ये जानवर आपको खुद ही याद दिलाते हैं, पर शायद याद दिलाते वक्त ये आपकी जान की परवाह नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ इस वीडियो में, जहां एक फोटोग्राफर पर बुल एल्क सींगों से हमला करते नजर आ रहा है। ये घटना है ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क की, जहां फोटोग्राफर थोड़ी ही दूरी से बुल एल्क की तस्वीरें निकाल रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक बुल एल्क गुस्से में आ जाता है और फोटोग्राफर के सर पर अपने सींगों से हमला करने लगता है। ऐसे में फोटोग्राफर अपने सिर को नीचे झुका लेता है, जिसे बुल एल्क एक चुनौती मान बैठता है और लगातार ये अपने सींगों को फोटोग्राफर के सिर पर घुसाने की कोशिश करने लगता है। पर कुछ समय बाद फोटोग्राफर का स्टाफ उसे बुल एल्क से बचा लेता है। कैमरामैन स्नैक्ड इन द नट्स बाय एंग्री शीप। कभी कभी भेड़ बकरी जैसे शांत जीव भी गुस्सेल स्वभाव के हो जाते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है ये वीडियो। बीबीसी के कैमरामैन के साथ हुई ये हादसा चंद घंटों में सोशल मीडिया में खूब वायरल हो गया। दरअसल शेर, गोरिला तथा शार्क जैसे खूंखार जानवरों की तस्वीर लेने के बाद किसी शीप की तस्वीरें लेना किसी भी फोटोग्राफर को काफी आसान लगता है। शायद यही वजह है कि छोटे जानवरों के सामने ये जितना भी करीब जाते हैं, इनकी सावधानी घट सी जाती है। लेकिन कहा जाता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ हुआ बीबीसी के एक फोटोग्राफर के साथ, जब वो एक एनिमल पार्क में दुनिया के सबसे रेयरेस्ट शीप ब्रीड की तस्वीरें लेने गया था। पर जैसे ही फोटोग्राफर शीप की क्लोजर शॉट लेने के लिए घुटनों के बल बैठा, इस जीव ने फोटोग्राफर पर अपने सींगों से हमला कर डाला, क्योंकि किसी को इस बात का पता नहीं था कि शीप इतने गुस्से में है और वो इतना जोरदार हमला भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी घटनाएं कि फोटोग्राफर की जॉब जितनी रोमांचक देखने में लगती है, उतना ही ये खतरनाक भी होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।